नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर ज्ञान्ति सिंह, मैं मेट्रो हार्ट हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ। आज मैं आपको पेसमेकर के जो भी मरीज हैं उनके बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगी। जिन्हें भी पेसमेकर लग गया है उन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में कुछ बातें बताना चाहूँगी। पेसमेकर लगने के बाद कम से कम 2-3 हफ्ते जो टाके लगे वो होते हैं उस पर कम से कम 10 दिन तक कोई पानी वगैरह नहीं पड़ना चाहिए, उसको ड्राई रखना है, नहीं तो पॉकेट इन्फेक्शन होने का जो डर है वो काफ़ी बढ़ जाता है। दूसरा है कि जो हैंड मूवमेंट्स हैं वो कम से कम पेसमेकर लगने के 2-3 हफ्ते थोड़े से रिस्ट्रिक्ट रखने चाहिए, और ख़ास करके अबव शोल्डर कंधे के ऊपर हाथ को लेके नहीं जाना चाहिए, और हाथ का मूवमेंट भी जो है वो झटके से नहीं करना चाहिए। अगर आप बिस्तर से उठ रहे हैं, चेयर से उठ रहे हैं, जिस तरफ आपका पेसमेकर लगे उस हाथ पे वजन डाल के खड़े होना नहीं चाहिए, उससे आपके पेसमेकर पे या उसके जो वायर्स हैं वो अभी फिक्स नहीं हुए होते हैं तो उस पे जोर पड़ता है। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और जिस तरफ लगा हुआ है राइट साइड या लेफ्ट साइड उस साइड के करवट करके भी कम से कम 2-3 हफ्ते नहीं सोना चाहिए। जिन्हें भी पेसमेकर लगा है उन्हें घर के जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आपका फ्रिज है, टीवी है, वॉशिंग मशीन है या माइक्रोवेव है। पर हमें ये ध्यान रखना है कि घर में जो भी होम अप्लायंसेस हैं या इलेक्ट्रिक सप्लाई है वहाँ अर्थिंग जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए, कहीं भी अर्थिंग की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कहीं भी आप टैप छूते हैं या फ्रिज छूते हैं या वॉशिंग मशीन छूते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट का शॉक जो है वो नहीं लगना चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। दूसरा है कि मोबाइल फ़ोन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पर जिधर आपका पेसमेकर लगा है उसके अपोजिट, अगर आपको लेफ्ट साइड लगा हुआ है, लेफ्ट शोल्डर में लगा हुआ है, तो आपको मोबाइल फ़ोन जो है राइट ईयर से सुनना चाहिए। अगर राइट क्लेविकल बोन के नीचे लगा हुआ है तो मोबाइल फ़ोन जो है वो लेफ्ट साइड से सुनना चाहिए। कम से कम 6 इंच की दूरी जो है पेसमेकर डिवाइस से मोबाइल फ़ोन का रखना चाहिए। ये थोड़ा बहुत जो आपका रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल से वो थोड़े बहुत इफ़ेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं है कि आपके पैरामीटर्स चेंज हो जाएंगे बिल्कुल, फिर भी सावधानी बरतनी चाहिए। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि हम कितने दिनों के बाद, पेसमेकर लगने के बाद गाड़ी चला सकते हैं। तो आसपास अगर स्मॉल डिस्टेंस आपको कवर करना है तो कम से कम 6 हफ्ते के बाद आप ड्राइव कर सकते हो, और स्कूटर भी चला सकते हो या 4-व्हीलर भी चला सकते हो। पर अगर लॉन्ग डिस्टेंस वगैरह जा रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि कम से कम 6 महीने के बाद, क्योंकि वायर फिक्स होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जो मेन रिस्क होता है, जो पेसमेकर के 2 पार्ट होते हैं, एक लीड होती है, दूसरी होती है पल्स नटर, तो लीड के खींचने के चांसेस इनिशियल टाइम में होते हैं। विद टाइम धीरे धीरे ये जो है हार्ट के मसल्स के साथ बिल्कुल चिपक जाते हैं, फ्यूज़ हो जाते हैं, फिर उसके खींचने के चांसेस जो है समय के साथ कम हो जाते हैं। तो हमें ज़्यादातर जो सावधानियाँ हैं वो इनिशियल ईयर्स में ही हमें पेसमेकर लगने के बाद इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। फिर है एक्सरसाइजेस जो है आप कर सकते हो, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी आप कर सकते हो। जो मेन जो एक्सरसाइज मना होता है कि जिधर भी आपका लगा है लेफ्ट हैंड या लेफ्ट हैंड, उधर आपको जो है हैंड मूवमेंट जो है वो जर्क के साथ नहीं करनी है, और ख़ास कर शोल्डर रोटेशन एक्सरसाइजेज नहीं करने हैं। अगर आप शोल्डर रोटेशन एक्सरसाइजेज करते हो, जो पेसिंग लीड है वो आपके बोन की क्लेविकल बोन के नीचे से गई है, उसकी इंसुलेशन ब्रेक होने का डर होता है। अगर इंसुलेशन बंद ब्रेक हो गया तो फिर आपको दोबारा प्रोसीजर के लिए जाना पड़ेगा, दोबारा नई तार डालनी पड़ेगी। अगर इससे आप बचना चाहते हो तो आप हैंड रोटेशन एक्सरसाइज नहीं करें, और अबव शोल्डर जो एक्सरसाइजेज हैं वो जर्क के साथ ना करें, ये आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। पेसमेकर लगने के बाद जब आपका पॉकेट का जो सूचर्स हैं वो ठीक हो गए 2 हफ्ते के बाद आप ट्रेवल कर सकते हो, और 10 दिन के बाद आप नहा भी सकते हो, उस पर पानी जाने से कोई दिक्कत नहीं है। नहाना तो 48 आवर्स के बाद भी पेसमेकर के बाद कर सकते हो, पर वो एरिया जहाँ आपका पेसमेकर लगा उसको ड्राई रखना है, इसका ध्यान रखना चाहिए। और जब भी आप ट्रेवल करते हो या आप फ्लाइट में जा रहे हो तो ख़ास करके जो मेटल डिटेक्टर यूज़ करते हैं
उसके आपको बताना पड़ेगा कि आपको पेसमेकर लगा है, एक तरह की डिवाइस आई कार्ड भी मिलती है, वो अगर आपके पास है तो उसको दिखाइए कि आपको पेसमेकर लगा, जिससे वो मेटल डिटेक्टर्स आपको चेक ना करें। जो मेटल डिटेक्टर गेट है उससे आप क्रॉस कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर मेटल डिटेक्टर से जो हैंड मेटल डिटेक्टर है उससे बचना चाहिए। और 2 हफ्ते के बाद आप ट्रैवल कर सकते हो, फ्लाइट से भी ट्रैवल कर सकते हो, ट्रेन में भी ट्रैवल कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आपको कभी भी लगता है कि आपका जो पेसमेकर साइट है वहाँ पे कोई स्वेलिंग है या रेडनेस है या कोई डिस्चार्ज है, तो आप अपने डॉक्टर्स को ज़रूर मिलें, उसके बारे में बताएं। अगर आप इनिशियल शुरू में ध्यान नहीं देते हैं तो वो इन्फेक्शन अगर है भी तो बढ़ सकता है और आगे चल के आपको प्रॉब्लम कर सकता है। पेसमेकर पॉकेट इन्फेक्शन जो है वो एक बहुत बड़ा रिस्क है पेसमेकर पेशेंट में, तो आपको ये सावधानियां बरतें। अगर ध्यान नहीं देंगे तो फिर वो सारी मशीन निकालनी पड़ेगी और दूसरी तरफ से फिर नई मशीन डालनी पड़ेगी, इसमें आपको हॉस्पिटल में भी कम से कम 15-20 दिन रखना पड़ेगा, इससे आपका खर्च भी बढ़ता है और तकलीफ भी बढ़ती है। तो मेरा आप सभी लोगों से यही निवेदन है कि जिन्हें भी पेसमेकर या पेसमेकर जैसे कोई भी डिवाइस लगी है, जैसे CRT-D है, AICD है, उन लोगों को अपने पेसमेकर साइट का ध्यान रखना चाहिए। वहाँ पे ज़ोर से रगड़ना नहीं चाहिए, खुजली इचिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ की स्किन जो है वो पतली होती है, और मशीन को पकड़ के वहाँ पे बार बार छूना नहीं चाहिए, नहीं तो आपकी जो तारें हैं वो धीरे धीरे खींच करके वापस जो है आपकी जो पल्स लेटर है उसमें लिपट जाएगी। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना, नहाते वक्त भी वहाँ पे ज़ोर से रगड़ के सफाई नहीं करनी चाहिए, हल्के हाथों से थपथपा के उसको सफाई कीजिए। आप साबुन लगा सकते हैं पर हल्के हाथ से उसको थपथपा के साफ करना है, ज़ोर से रगड़ना नहीं है। कोई भी तकलीफ होती है तो आपको अपने डॉक्टर को ज़रूर इन्फॉर्म करना है, और जो भी पेसमेकर के पेशेंट हैं उन्हें एवरी 6 मंथ्स पे या जब भी आपका डॉक्टर आपको एडवाइस करता है चेकअप के लिए, तो अपना पेसमेकर जरूर चेक कराएं, जिससे कि वो पता चल सकता है अब आपका पेसमेकर सही काम कर रहा है कि नहीं, उसके पैरामीटर्स ठीक है कि नहीं, जिसके हिसाब से आपकी दवाइयाँ और आपकी जो प्रोग्रामिंग है उसको एडजस्ट की जाए। तो अपना आप लोग अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।